जिस समय चंद्रगुप्त धर्माल की को टापू में छोड़ के मनसा सेठ के घर पहुंचता है और लाल और जूड़ा ला के अपनी भाभी के हाथ में थमाया। भाभी जान गई कि ब्याह तक कर लिया लेकिन लकोन लाग रहा है, तो वह भाभी हंसी मजाक में बात को उगड़वाने की कोशिश करती है और एक बात के द्वारा न्यू कहने लगी, रे देवर जी सा तू गया था ना उसा लौट के नहीं आया, तेरा तर रंग रंग बदल लिया। और एक बात के द्वारा के कहने लगी, के लिख दिया पंडित जी ने, हे रे केर भली करी थी परमेश्वर ने, केर भली करी थी परमेश्वर ने, ओ तू राजी खुशी घर आ गया और सच्चे मोती का जूड़ा देवर रे हाथ तेरे कितना गया, भली करी थी भली करी थी परमेश्वर ने, केर भली करी थी परमेश्वर ने, ओ तू राजी खुशी घर आ गया और सच्चे मोती का जूड़ा देवर, के सच्चे मोती का जूड़ा देवर रे हाथ तेरे कितना गया, भली करी थी हेर भली करी थी परमेश्वर ने, भली करी थी परमेश्वर ने, राजी खुशी घर आ गया सच्चे मोती का जूड़ा देवर हाथ तेरे कितना गया, भली करी थी Thank you.
खरी से लाल और चूड़ा चीज खरी से मोल लेने किया नहीं रे जरी से तेरी आँखियाँ के माँ तेरी आँखियाँ के माँ नींद भरी से आँखियाँ के माँ मेरी तरफ भी ध्यान दो लालो जो चूड़ा चीज खरी से मोल लेने किया नहीं रे जरी से तेरी आँखियाँ के माँ अरे नींद भरी से आँखियाँ के माँ तेरे नींद भरी से रात न तू कित जागा भली करी थी परमेश्वर ने लाजी खुशी घर आगा भली करी थी ओ शाही रंग बंदड़े का छागा बली करी थी परमेश्वर ने राजी खुशी घर आगा बली करी थी जुड़े का बेचनिया
लाल और चूड़ा प्या में चीज दिया कर बढ़िया प्या में चीज दिया कर बढ़िया करणिया लाल जुड़े का बेचनिया लाल जुड़े का बेचनिया रसोदा कर कित पाया कभी कभी थी परमेश्वर ने लाजी खुशी घर आया कभी कभी थी रंग चढ़ रहा से